कहाँ से आ गया जी? बिहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में संबोधन कर रहे थे। उस दौरान एक युवक डी एरिया में प्रवेश कर गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करने लगा और नारेबाजी भी करने लगा। वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान युवक कुछ नारेबाजी करता रहा, लेकिन सीएम की सुरक्षा में चूक के बाद पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। अब इसी प्रकार से और आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। सड़कों पुलों का निर्माण कितना सड़क पुल का निर्माण अब पहले से जो किया था सबसे दूर का 6 घंटा और हम लोग का लक्ष्य की 5 घंटा में आज कितना ज्यादा हम लोग बनवा रहे हैं आप देख लीजिए। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने घटना को लेकर बताया कि मुंगेर का रहने वाला है। युवक का नाम नीतीश कुमार है और उनके हाथ में एक मेडल था। युवक के पिता का नाम राजेश्वर मंडल है। उन्होंने बताया कि युवक का पिता 1986 में चुनाव कराने के दौरान शहीद हो गए थे और वे बीएमसी में जवान थे। शहीद होने के बाद अनुकंपा पर बहाली को लेकर युवक ने मुख्यमंत्री के सामने विरोध प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना बिहार पुलिस मुख्यालय को दे दी गई है। इसके साथ ही घटना की जांच की जा रही है कि युवक किसके साथ पटना स्थित गांधी मैदान में आया और वीवीआईपी दीर्घा में कैसे प्रवेश कर गया। बता दें कि 15 अगस्त को गांधी मैदान में मुख्य झंडोत्तोलन समारोह के मुख्य मंच के ठीक नीतीश कुमार के सामने भाषण के दौरान नीतीश कुमार पहुंचकर अनुकंपा पर नौकरी के लिए नीतीश कुमार का विरोध जताने की घटना से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। पटना जिला प्रशासन का कहना है कि नीतीश की किसी भी आईपी के साथ वीआईपी दीर्घा तक पहुंचा था। अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि किस वीआईपी के साथ युवक वीआईपी दीर्घा तक पहुंचा था। बता दें कि बिहार में 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली थी। उसी दौरान यह वाकया हुआ। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।